Swayam Prabhat, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि तो हम लोग प्रशासनिक विधि की चर्चा करेंगे और प्रशासनिक विधि में इसके लेक्चर को हम लोगों ने दस भाग में डिवाइड किया है वैसे और ऑलरेडी हम लोगों ने आठ पॉइंट पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग अब नवे पॉइंट पे हम लोग को चर्चा करनी है तो ये नवा पॉइंट क्या है इसमें मैं अभी आऊंगा लेकिन उसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और मैं न्यायिक अधिकारी भी था कुछ समय के लिए और मैं विगत 12-13 साल से टीचिंग में जुड़ा हुआ हूं और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपसे अब आप देखें प्रशासनिक विधि को आ, क्या है ये प्रशासनिक विधि के बारे में थोड़ा सा तो हालांकि आठ लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है इसमें इंट्रोडक्शन भी मैं दे दिया था पहले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक विधि क्या है तो उसमें हम लोगों ने देखा था प्रशासनिक विधि प्रशासन की विधि है जो ये बताती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे काम करना है इनके क्या अधिकार हैं इनकी क्या शक्तियाँ हैं इनके क्या कर्तव्य हैं इनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दायित्व क्या हैं और अगर ये दायित्वों से विरत रहते हैं और इससे किसी का अधिकार प्रभावित हो जाता है तो इनके खिलाफ क्या उपचार उपलब्ध है और इनको क्या डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा तो ये सारा मॉड्यूल वन में हम लोगों ने देखा था मॉड्यूल टू में हम लोगों ने विधि के शासन के बारे में देखा था कि विधि का शासन होना चाहिए व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए तीसरे मॉड्यूल में हम लोगों ने शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई शक्तियों का वितरण होना चाहिए एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां अगर जाएंगी तो हाफ्स का लेवियाथा हो जाएगा और अगर डिस्ट्रीब्यूट होकर काम होगा तो ये बड़ा कन्वीनियंट होगा एनआरकिल नहीं होगा स्टेट इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रत्यायोजित विधायन चौथे मॉड्यूल में जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पावर डेलीगेट किया जाएगा क्योंकि लेजिस्लेचर सारा कानून नहीं बना सकता तो लेजिस्लेचर कुछ कुछ कानूनों को सबॉर्डिनेट कानूनों को एग्जीक्यूटिव को बनाने के लिए दे देगा तो ये चौथा मॉड्यूल था, था। पाँचवें में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करा था और हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन होना ही चाहिए तो उसमें नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है जिसमें रूल अगेंस्ट बायस की बात है जिसमें आरडियल ट्रम पार्टेम की बात है तो ये सारी बातें पाँचवें मॉड्यूल में देखा था छठवें तो मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा था कि न्यायिक अधिकरण के क्या कर्तव्य और दायित्व हैं तो न्यायालय की तरफ से न्यायिक अधिकरण भी हमारे पास हैं और न्यायिक अधिकरण कैसे काम करेंगे इनको कब रोका जाएगा और इनकी कितनी सीमाएं हैं ये नेचुरल जस्टिस से बाध्य हैं कि नहीं है तो न्यायिक अधिकरणों में हम लोगों ने इस बात को देखा था आगे हम लोगों ने देखा था कि ये स्टेट का जो रिट के मामले में अधिकारों को संरक्षण के मामले में हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जैसे मान लीजिए हमारा अधिकार है और अधिकार प्रभावित हो गया तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है तो उसके लिए कई उपचार है हमारे पास संविधान में उपचार है रिट के माध्यम से संविधान में सामान्य उपचार भी हैं जो हम अपील के माध्यम से जा सकते हैं हमारे पास स्टेच्यूटरी रेमेडीज भी अवेलेबल हैं जिसमें हम डिक्लेरेटरी डिक्री वगैरह की बात करते हैं व्यादेश की बात करते हैं प्रतिकर की बात करते हैं तो ये सारे भी उपचार हमारे पास उपलब्ध हैं और ये जो आज का मॉडल है इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप स्लाइड पे देखें तो ये है सरकार का दायित्व गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है किस मामले में अगर गवर्नमेंट कोई टार्ट कमिट करता है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है तो इन दोनों मामले में स्टेट की लाइबिलिटी क्या है यह चीज इसमें बताया गया है सरकार का दायित्व तो इसमें टार्ट और कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो की बात है टार्ट कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट कैसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ना तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सरकार का दायित्व तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट में सरकार का दायित्व तो क्या है इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इज द लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ठीक है अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट का जो दायित्व तो है यह बहुत बृहद है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने के बाद चूंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है और स्टेट में जो राज्य का दायित्व तो है वो बहुत ही बृहद है क्योंकि स्टेट का बहुत ज्यादा कंसर्न है इन दी एक्टिविटी ऑफ पीपल जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस तो तो मैक्सिमम मैक्सिमम गवर्नेंस गवर्नेंस ये ऑब्जेक्टिव है स्टेट का तो में राज्य का दायित्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जनता के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होता है स्टेट का अगर यह पुलिस स्टेट होता है कॉन्ट्रेरी टू दैट अगर यह पुलिस स्टेट होता जो कि आप स्वतंत्रता के पहले देखते थे जिसको हम लेस फेर स्टेट बोलते थे तो लेसे उस फेरे स्टेट में सरकार का दायित्व तो मिनिमल था क्योंकि उसका लिस्ट कंसर्न था इन द एक्टिविटी ऑफ पीपल अब ज्यादा कंसर्न इन द एक्टिविटी ऑफ पीपल तो इसलिए सरकार का दायित्व तो ज्यादा हो जाता है और भारत में अगर आप देखेंगे बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता का देश है भारत अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें सरकार का दायित्व तो आज से नहीं प्राचीन समय से भी सरकार का दायित्व तो बहुत बृहद रहा है अगर आप बहुत ही ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे जो विश्व का सबसे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जब विश्व में एनार्की हुआ करती थी जब राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था जब लोगों के यहाँ बारबरिज्म होता था मिसमैनेजमेंट था जहाँ पे सप्रेशन था जहाँ पे काटमार और क्रांतियाँ मची हुई थी उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत ही वाइड एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था बहुत ही आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था और उसको राम राज्य के नाम से जानते थे तो राम राज्य में अगर आप देखेंगे तो स्टेट का जो कर्तव्य था वो बहुत और दायित्व तो जो था वो बहुत वृहद था राजा अपने आप को प्रजा से भी नीचे रखता था इतना ज्यादा प्रजा को महत्व दिया जाता था तो वहां पे दायित्व तो राज्य का कितना ज्यादा था जिसमें राजा जो है वो प्रजा के अधिकारों के संरक्षण के लिए उसके वेल बीइंग के लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के लिए वो जंगल में चला जाता है राजपाट छोड़ करके तो इतना ज्यादा बृहद दायित्व तो था स्टेट का भारत में अगर आप देखेंगे तो, तो सबसे बड़ा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदाहरण आप भारतीय प्राचीन विधि शास्त्र में आप देख सकते हैं अगर और स्पेसिफिक मैं जाऊं तो प्राचीन विधि शास्त्र में आप इसको देख सकते हैं लेकिन मॉडर्न समय में जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पास संविधान आ गया तब हमको देखना है कि संविधान के बाद राज्य के दायित्व तो क्या है क्योंकि संविधान को अगर आप देखेंगे तो मेनली ब्रिटिश लेगेसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन थर्टी फाइव पे बेस्ड है जो माउंट बेटन प्लान के बाद ब्रिटिशर्स के देख रेख में बनाया गया था तो इसमें एंसियट इंडियन जूडो स्टूडेंट्स कम दिखता है और राज्य के दायित्व को बड़ा मिनिमल कर दिया गया था उन लोगों के बाद ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि वेलफेयर स्टेट में राज्य का दायित्व तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ठीक है ना तो ये इसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कि राज्य का दायित्व तो, तो राज्य के दायित्व तो में अब थोड़ा सा हम वेलफेयर स्टेट है राज्य का दायित्व तो ज्यादा होना चाहिए तो है कितना इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो हम लोग इसको वेस्टर्न कंट्री से उठाते हैं क्योंकि हालांकि मैंने आपको बता दिया ये किसी वेस्ट की तरफ हमको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे राज्य का दायित्व तो बहुत ही बृहद था और हमारा राजा जो है प्रजा के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और एक ही राजा नहीं आपको सीरीज आप किंगडम दिखेंगे जिसमें राजा ने सब कुछ परित्याग कर दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री तो एक एग्जाम्पल नहीं है आपके पास हजारों एग्जाम्पल आपको दिखेंगे भारत के इतिहास में तो राज्य का दायित्व तो बहुत बृहद था लेकिन अब आप इसको देखें इंग्लैंड में क्या स्थिति थी चूंकि हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं और हम ब्रिटेन से पूरे कॉमन लिगल

उन्होंने भी इसको सुधारा एक इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में एक कानून आया और उस कानून का नाम है क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। इस क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट के आने से उन्होंने क्या किया उन्होंने ये सावरिन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को जो ये बात थी कि, कि किंग कैन डू नो रांग इसको रिलैक्स कर दिया और उनका अब कहना है कि नहीं भाई कुछ मामले में राजा भी लागू होगा राजा के ऊपर भी दायित्व तो लागू होंगे क्योंकि क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट क्राउन के खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है कुछ मामलों में या बहुत मामलों में तो उन्होंने इसको उन्नीस के बाद रिलैक्स कर दिया इसके बाद वहां सक्सेसिव लेजिस्लेशन भी है जिसमें आज स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पे भी तो ये इंग्लैंड में देखेंगे तो ये डेवलपमेंट हुआ है पहले ऐसा नहीं था लेकिन हमारे यहां बहुत पहले से था जिसमें राजा का कर्तव्य बहुत वाइड था जनता के लिए ठीक है ना तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आ गया उनके पास उन्नीस में इन्होंने इसको रिलैक्स कर दिया अब अगर आप अमेरिकन प्रिंसिपल में जाएंगे अमेरिकन प्रिंसिपल में जब आप जाएंगे तो देखिए यूएसए यु, में क्या पोजीशन है यूएसए में यूएसए में अगर आप जाएं तो यूएसए में भी यही प्रचलन था कि संप्रभु की उन्मुक्ति का सिद्धांत सावरेन इम्यूनिटी प्रिंसिपल वहाँ भी प्रचलित था सावरेन इम्यूनिटी प्रिंसिपल इम्यूनिटी सावरेन वॉज इम्यून फ्रॉम ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन अमेरिका में भी थोड़ा सा इसको डेवलप कर दिया एक वहाँ पे कानून आ गया उन्नीस में जिस कानून का नाम है फेडरल टार्ट्स क्लेम एक्ट फेडरल टार्ट्स क्लेम एक्ट 1946, 1946, तो इनका कानून आया 1947 में और अमेरिका में कानून आया 1946 में 1946 में ध्यान दीजिए तो 1946 और 1947 एक साल का गैप है खाली अमेरिका में एक साल ब्रिटेन में एक साल बाद आया अमेरिका में एक साल पहले आया और फेडरल टार्ट्स क्लेम एक्ट के तहत अमेरिका ने भी स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी को फिक्स कर दिया और वो कहते हैं कि नहीं साबरिन इम्यूनिटी नहीं चलेगा ऐसा नहीं है संप्रभु कोई गलती नहीं करता ये इम्यून है सारी रिस्पांसिबिलिटी से ऐसी बात नहीं है सावरिन भी लाइबल होगा टार्ट अगर कमिट करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो भी लाइबल होगा तो अमेरिका में भी आज स्टेट लाइबल है ब्रिटेन में भी आज स्टेट लाइबल है पहले ऐसा नहीं था उन्नीस और छियालीस के पहले ऐसा नहीं था लेकिन भारत में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भारत को देखेंगे तो ये जो आज कानून बना के ले आए हैं हमारे यहाँ बिना कानून के राजा सेल्फ रेगुलेटेड था और वो जनता के अधिकार के संरक्षण के लिए अपने आप को पूरा दायित्व तो दे देता था बिना कुछ कहे कहने की जरूरत नहीं थी राजा ने तो अपने पत्नी को भी बाहर निकाल दिया प्रजा के कहने पर तो ऐसा आइडियल किंग था जिसने अपनी पत्नी को भी जंगल में छोड़ देता है क्योंकि प्रजा संतुष्ट नहीं थी उससे और कार्ड एक तरीके का लांछन लगाया गया था

कि सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट के लिए क्या दायित्व तो है अगर सरकार कोई गलती कर देती है राजा के अधिकारी प्राधिकारी कोई गलती कर देते हैं जिससे किसी को टार्ट कमित हो जाता है जिससे किसी को क्षति हो जाती है तो उस क्षति के लिए स्टेट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है यह आप भारत के संविधान के धारा 300 में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा एक लाइन जो लिखा हुआ है उसमें भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार या उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि वह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन तथा तत्स्थानीय प्रांत या तत्स्थानीय देशी राज्य द्वारा बाद लाए जा सकते थे या उन पर बाद लाया जा सकता था ध्यान दीजिए मैंने क्या बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट के लिए स्टेट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट के लिए स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी वैसे ही होगी जैसे संविधान के आने के पहले स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी थी संविधान के आने के पहले आप देखेंगे अब हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री तो आर्टिकल 300 ये बोल रहा है कि जो पहले रिस्पांसिबिलिटी थी वही रिस्पांसिबिलिटी आज भी होगी अब क्वेश्चन है कि पहले रिस्पांसिबिलिटी क्या थी तो आप आर्टिकल थ्री हंड्रेड में जब भारत के संविधान के पहले जाएंगे तो हमारे पास था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ध्यान दीजिए तो संविधान के पहले जो स्थिति थी जितना राज्य लाइबल था उतना इलाइबल होगा ये तीन में लिखा हुआ है अभी मैंने पढ़ के आपको सुनाया अब जब आप इसके पहले जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था उसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या लिखा हुआ है इसमें भी यही बात लिखा हुआ है कि सरकार की लाइबिलिटी भारत में उतनी ही होगी जितना इस अधिनियम के आने के पहले था ध्यान दीजिए तो अब उसके पहले आप जब जाएंगे तो आपके पास था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन उन्नीस सौ उन्नीस उन्नीस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि सरकार की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी इस अधिनियम के पहले थी तो उसके पहले आप जाएंगे तो हमारे पास एक अधिनियम था उन्नीस का भारत सरकार अधिनियम उन्नीस 1909. 1909 को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है कि सरकार का दायित्व तो कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट के लिए वही होगा जो इस अधिनियम के पहले था तो उसके पहले जाएंगे तो 1800 के चार्टर आपको मिलेंगे 1800 समथिंग के चार्टर्स मिलेंगे उन चार्टर में भी यही लिखा हुआ है कि भारत सरकार कि वही रिस्पांसिबिलिटी होगी जो इस चार्टर के आने के पहले थी तो उसके भी जब आप पहले जाएंगे तो एक बड़ा लीडिंग केस डिसाइडेड है अठारह का चार्टर था वो और इसके पहले जब आप जाएंगे तो एक बड़ी लीडिंग केस डिसाइडेड है उस केस का नाम है पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ठीक है ना सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया और ये केस जो डिसाइडेड है ये बहुत पुरानी केस है अट्ठारह के चार्टर के पहले का जजमेंट है तो अब इस केस में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था ध्यान दीजिए पी एन ओ स्टीम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये एक जजमेंट था पेंसुलर एंड ओरिएंटल नेविगेशन इसका नाम था इस केस में क्या हुआ था इस केस का फैक्ट क्या है देखिए इस केस का फैक्ट ये है कि इस बात में पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी के कर्मचारी घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे एक पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी है उसके कर्मचारी घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहे थे किदरपुर डाक के कुछ कर्मचारी एक जहाज के मरम्मत के लिए लोहे का एक भारी टुकड़ा लेकर सड़क के बीचों बीच जा रहे थे घोड़ा गाड़ी नजदीक देखकर वे गड़बड़ा गए और लोहा बीच सड़क में गिरा दिए जिससे घोड़े को चोट लग गई पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी ने भारत सचिव को कर्मचारियों की उपेक्षा के लिए क्षति के लिए प्रतिकर देने के लिए दायित्व ठहराने के लिए बात चलाया ये बात था तो पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी जो थी इसके घोड़े को चोट लग गई इसके घोड़े को जो चोट लगी वो किससे लगी जो डाकयार्ड कर्मचारी थे उनके उनके कारण लगी क्योंकि लोहे का टुकड़ा गिर गया और घोड़े के पैर में चोट लग गई तो पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी ने भारत सचिव के ऊपर मुकदमा कर दिया सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर मुकदमा कर दिया वही इस केस का नाम है पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो उन्होंने केस कर दिया और केस करके वो प्रतिकर की मांग करने लगे पहली केस थी जहाँ पे कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट के मामले में दो भागों में बांटा जा सकता है और कोर्ट ने कहा एक को हम बोलते हैं सावरन एक्ट ऑफ स्टेट ध्यान दीजिए सावरेन एक्ट ऑफ स्टेट और दूसरे को हम कहते हैं नॉन सावरेन एक्ट ऑफ स्टेट ध्यान दीजिए सावरेन एक्ट और नॉन सावरेन एक्ट साबरेन एक्ट के लिए स्टेट की नो no रिस्पांसिबिलिटी और नॉन सावरेन एक्ट के लिए स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी ये कोर्ट ने बाइफर्केट कर दिया मामले को दो भाग में कि कि एक्ट एक्ट है कि है नॉन अगर क्वेश्चन का आंसर यह आता है कि नहीं एक्ट तो सावरेन कैपेसिटी में किया गया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया है यह पब्लिक ऑफिसर के द्वारा किया गया है या सरकार के द्वारा किया गया है और इस कार्य को केवल के और केवल सरकार ही कर सकती है इसको पब्लिक फंक्शनरी ही कर सकती है इसको प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता अगर ऐसी बात है तो इसको हम बोलते हैं सावरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट तो सावरन फंक्शन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं तो होगी इसको हम बोलते हैं सावरेन इम्यूनिटी प्रिंसिपल सावरन इम्यूनिटी का सिद्धांत सिद्धांतरिन इम्यूनिटी प्रिंसिपल तो इज इम्यून फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी और किंग कैंडू no जो ब्रिटेन का प्रिंसिपल था वही प्रिंसिपल यहां पे आके चिपक गया क्योंकि राजा गलती नहीं कर सकता गलती नहीं कर सकता स्टेट गलती नहीं कर सकता इसलिए साबरिन एक्ट में स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी लेकिन नॉन अगर एक्शन होगा तब इसमें कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तब रिस्पांसिबिलिटी होगी और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा तो इस केस में इस बात को डिसाइड कर दिया तो आज अगर भारत के संविधान के लाइट में इसको पढ़ेंगे तो आर्टिकल तीन सौ में लिखा हुआ है संविधान आने के पहले जो सिचुएशन था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव देखेंगे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस देखेंगे उन्नीस सौ नौ देखेंगे अट्ठारह सौ तिरसठ का चार्टर देखेंगे और उसके पहले पीएनओ स्टीम निविगेशन कंपनी में जाएंगे तो सावरन और नॉन सावरिन फंक्शन का डिमार्केशन है तो तीन सौ को अगर आज आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पीएनओ स्टीम नेविगेशन कंपनी और वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू हो जाएगा तो आज भी भारत के संविधान में क्या स्थिति है सावरेन एक्ट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं और नॉन साबरिन एक्ट के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है आज भी यही बात है तो अमेरिका ने अपने आप को चेंज कर दिया फेडरल टार्ट क्लेम एक्ट पास करके ब्रिटेन ने अपने आप को चेंज कर दिया क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट पास करके 1946 और सैतालीस में लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे पे स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी इतनी मैक्सिमम थी और जहां पे राजा का एक हाइक था जो प्रजा प्रजा के खुशहाली के लिए कितना काम कर देता था उस राज्य का दुर्भाग्य आप देखें कि आज भी भारत के संविधान में हम उन्हीं के प्रिंसिपल को ढो रहे हैं जिन्होंने अपने प्रिंसिपल को हटा करके हमारे प्रिंसिपल को इनकारट कर लिया लेकिन हम लोग आज तक अपने प्रिंसिपल को इनकारट नहीं कर पाए और भारत के संविधान में आज भी वही बात लिखा हुआ है कि सावर इन इम्यूनिटी तो ये एक इसकी जर्नी थी कि स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी कितनी होगी तो ये संविधान के अनुच्छेद 300 से आप इसको देख सकते हैं और इसके लिए आप जब इतिहास में जाएंगे तो आज भी साबरेन इम्यूनिटी आपके संविधान में लिखा हुआ है ये बात हम लोगों ने देखा अब इसके आगे थोड़ा जर्नी में आगे बढ़ें आप और हम देखें कि और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन कौन केस हैं तो ये एक स्वतंत्रता के बाद एक जजमेंट आता है उस जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे और मैं यहीं पे कुछ जजमेंट के माध्यम से इसको बताऊंगा कि स्वतंत्रता के बाद के क्या डेवलपमेंट है चलिए संविधान के आर्टिकल 300 में तो ये बात लिख दिया गया तो संविधान आने के बाद डेवलपमेंट क्या है तो एक केस है हमारे पास स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती विद्यावती का जजमेंट है और ये जजमेंट है नाइनटीन का 1962 का स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या हुआ था इस वाद में एक जीप जो राजस्थान सरकार के स्वामित्व में थी और जिलाधीश को सरकारी कार्यों में प्रयोग करने के लिए दी गई थी जब चालक जो कि सरकारी कर्मचारी था जीप को कारखाने से मरम्मत कराकर वापस ला रहा था कि उसकी असावधानी के कारण दुर्घटना हुई और एक व्यक्ति जीप से कुचलकर मर गया मृतक की पत्नी ने प्रतिकल के लिए राजस्थान सरकार के विरुद्ध बाद चलाया ध्यान दीजिए ये मामला था इसमें कि एक जीप है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस की जीप है डीएम के ऑफिस की जीप है और वो सरकारी कार्यों में चल रही है और उसका जो चालक है वो भी सरकारी ड्राइवर है उसके जब वो मरम्मत करा करके गोडाउन से निकाल रहा था जैसे ही निकाल रहा था तो तक कोई आदमी पीछे आ गया और वो दब गया उसमें और दब करके मर गया जब मर गया तो उसकी जो वीडो है उसका नाम है विद्यावती और विद्यावती ने मुकदमा दाखिल कर दिया सरकार के खिलाफ और सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करके प्रतिकर की मांग करती है कि चूंकि सरकारी ड्राइवर की गलती से हमारे पति की मृत्यु हो गई है इसलिए हमको उचित मुआवजा दिया जाए इसके लिए उसने मुकदमा दाखिल किया जब वो मुकदमा दाखिल किया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपनसेशन दिलवा दिया तो स्वतंत्रता के बाद यह पहला जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्विस्ट कर दिया अपने आप को और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ये जो चालक है भले सरकारी ड्राइवर है लेकिन गाड़ी तो कोई चला सकता है ध्यान दीजिए तो साबरिन इम्यूनिटी केवल उसी चीज में है जो केवल और केवल सरकार कर सकती है बस उसमें साबरन इम्यूनिटी है लेकिन जो सरकारी प्राइवेट आदमी भी जो काम को कर सकता है उसमें साबरन इम्यूनिटी नहीं चलेगी तो ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है जीप तो कोई भी चला सकता है ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ड्राइवर जो सरकारी ड्राइवर होगा वही जीप चलाएगा ये प्राइवेट बंदी भी चला सकते हैं इसलिए इसमें साबरन इम्यूनिटी का फायदा नहीं मिलेगा और कोर्ट ने इसमें कंपनसेशन विद्यावती को दिलवाया तो ये बड़ा पहला जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने साबरन इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को हल्का कर दिया थोड़ा सा खत्म नहीं किया देना अगर सुप्रीम कोर्ट यह बात बोल देती कि भारत जैसे देश में अब साबरन इम्यूनिटी की कोई जगह नहीं है क्योंकि हम तो वेलफेयर स्टेट हैं क्योंकि हम तो सदियों से सरकार के दायित्व को बहुत मैक्सिमम लेवल में लेके चलने वाले लोग हैं और ब्रिटेन और अमेरिका को भी देखें तो उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया तो हमारे यहां भी साबरन इम्यूनिटी का कोई प्रिंसिपल काम नहीं करेगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहती और इसके परसुएंस में कोई कानून बनता तो शायद सेनेरियों पूरी चेंज हो जाती लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स तो जरूर किया साबरन इम्यूनिटी के दायरे को कम कर दिया लेकिन साबरन इम्यूनिटी को खत्म नहीं किया सौभाग्य या दुर्भाग्य से लेकिन विद्या

वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और ये 1965 का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था ध्यान दीजिए कस्तूरी लाल रलिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 इसमें क्या होता है इसमें एक आदमी जो है ये पकड़ा जाता है कहीं पुलिस के द्वारा पुलिस इसको पकड़ती है और पुलिस देखती है कि ये ना सोना लिया हुआ है अपने पास गोल्ड है इसके पास कुछ तो पुलिस को ऐसा सस्पेशन होता है कि ये गोल्ड कहीं से चुरा करके लेके आ रहा है ऐसा पुलिस को सस्पेशन होता है सस्पेशन के आधार पे पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है गिरफ्तार करके इसके सामान को जब्त कर लेती है आप जानते होंगे जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है सीआरपीसी में आप देखेंगे तो उसके जो भी सामान होंगे वो सीज कर लिए जाते हैं मोबाइबल जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सीज करके रख दिए जाते हैं लॉकर में और जब ये छोड़ा जाता है तो इसको सारी संपत्ति मुहैया करा दी जाती है तो रलिया राम जैन के भी ऊपर ऐसे पुलिस को लगा कि इसने चोरी किया है तो उसके सोना होना जो लिया था सारा पुलिस ने जब्त कर लिया जब्त करके मालखाने में रख दिया और इसको बंद कर दिया बंद करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अरे तो निर्दोष है ये चोरी नहीं किया था ये इसी का सोना था ये कहीं से लेके आ रहा था ऐसा पता चला अब पुलिस जब इसको छोड़ी तो इसको इसको सामान भी लौटानी थी जब पुलिस सामान लौटाने जाती है तो जो मालखाने में इसका सोना रखा गया था सीज करके वो सोना गायब हो गया था वहां से रलिया राम कहता है कि भाई हमारा सोना भी वापस दीजिए पुलिस कहती है कहां से दें आपका सोना जब्त किया गया था लेकिन वो तो मालखाने से चोरी हो गया तो रलिया राम कहता है कि इससे हमसे क्या मतलब हम तो निर्दोष आदमी थे हम सोना लेके आ रहे थे आपने हमको पकड़ा आपने इन्वेस्टिगेशन किया और आप ही ने हमको निर्दोष पाया तो हमारा माल भी हमको वापस करें आप तो इसमें ये क्वेश्चन उठा कि भाई ये गवर्नमेंट बाध्य है कि नहीं है तो रलिया राम कहता है हमारा सोना वापस किया जाए ये पिटीशन फाइल कर दिया कोर्ट में पुलिस कहती है कि नहीं ये तो चोरी हो गया तो हम कहां से देंगे और दुर्भाग्य सौभाग्य से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया डिसीजन का बड़ा क्रिटिसजन हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साबरिन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा पुलिस के मालखाने से सोना का चोरी होना ये सरकार का दायित्व तो इसमें नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ भारत के संविधान के धारा तीन सौ के अनुसार सावरन इम्यूनिटी है और संप्रभु कार्य के लिए राज्य को दायी नहीं ठहरा सकते और यहां पे राज्य का संप्रभु कार्य है क्योंकि पुलिस जो है पब्लिक फंक्शनरी है और पुलिस के कस्टडी में आपका सोना गायब हो गया तो सावरन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा और इसमें यूपी पुलिस को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते और इस बेचारे को सोना नहीं मिला और ये अपने घर चला गया तो आप देखिए दो विद्यावती में जिस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया था उसको फिर से रिवाइव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने रलिया राम जैन के केस में उन्नीस में और कहती है कि साबरेन इम्यूनिटी के लिए नो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्नीस में आप देखेंगे तो ये डेवलपमेंट है आगे कुछ और केस की चर्चा करते हैं एक केस है हमारे पास सत्यवती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सत्यवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का जजमेंट है ध्यान दीजिए सत्यवती बनाम भारत संघ उन्नीस सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था इसमें इस बाद में वायु सेना की ट्रक जिसको वायुसेना का एक कर्मचारी चला रहा था द्वारा एक हाकी टीम के मैच खेलने के लिए ले जाया जा रहा था कि चालक की उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई संघ सरकार की ओर से कई तर्क दिया गया कि दुर्घटना संप्रभु कार्य के संपादन में या संप्रभु शक्ति के प्रयोग में हुई थी और इस कारण संघ सरकार के लिए कोई दायित्व तो नहीं ठहराया जा सकता न्यायालय ने इसे संप्रभु कार्य का संपादन अथवा संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किया गया कार्य नहीं माना ध्यान दीजिए तो इसमें क्या था वायुसेना का एक आदमी है जो ट्रक चला करके हाकि टीम को लेकर जा रहा है उसमें दुर्घटना हो गई टीम का मेंबर मर गया अब ये कि तो एयरफोर्स का आदमी है और एयरफोर्स का आदमी सरकार का कर्मचारी है इसलिए इसमें साबरेन इम्यूनिटी लगेगी और इसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा ये यूनियन गवर्नमेंट कर रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रक चलाना कोई साबरिन काम नहीं है ट्रक तो

यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुग्राबाई का जजमेंट है यह है 1969 सुप्रीम कोर्ट 1969 अब ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ था इसमें प्रतिरक्षा विभाग के ट्रक चालक की लापरवाही से एक व्यक्ति ट्रक से कुचलकर मर गया उस ट्रक से एक मशीन जिससे सेना के अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता था वर्कशॉप की मरम्मत कराकर सैनिक स्कूल को ले जाया जा रहा था न्यायालय ने सरकार को दाई ठहराया क्योंकि मशीन का वर्कशॉप और सैनिक प्रशिक्षण स्कूल प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी लाया जा सकता था तो इसमें भी साबरेन इम्यूनिटी कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट का यह कहना था कि भाई साबरिन इम्यूनिटी नहीं है क्योंकि ट्रक चलाना ले आना ले जाना ये फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है लेकिन साबरिन इम्यूनिटी को फिर नहीं खत्म किया माने इम्यूनिटी अभी भी जिंदा है लेकिन है कि ये ये कि कार्य नहीं है इसलिए इसमें इम्यूनिटी का प्रिंसिपल नहीं लगेगा अगली केस देखें आप अगली केस है बक्सी अमरीक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अमरीक सिंह अमरीक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है नाइनटीन का 1972 का का सिंह जजमेंट इसमें क्या हुआ था देखिए इस बात में सेना विभाग का एक कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए ट्रक चला रहा था और उसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई इसे संप्रभु कार्य के संपादन में किया गया कार्य माना गया क्योंकि ऐसा कार्य केवल सेना के व्यक्ति ही कर सकते हैं प्राइवेट व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि यह सेना का कर्मचारी था ड्यूटी पे तैनात था तो बॉर्डर पे तैनात होने के लिए कोई प्राइवेट कभी नहीं तैनात हो सकता हालांकि ट्रक चलाना एक बात है लेकिन बॉर्डर पर तैनात होकर के ड्यूटी करना और उसमें ट्रक चलाना जिससे किसी का कुचल जाना ये एक दूसरी बात है तो कोर्ट ने कहा कि ये सावरिन फंक्शन है क्योंकि केवल और केवल गवर्नमेंट कर्मचारी कर सकते हैं प्राइवेट व्यक्ति इसको नहीं कर सकता तो इसमें सावरिन इम्यूनिटी का फायदा उसको मिल गया और कंपनसेशन नहीं दिलवाया गया इसी क्रम में एक और केस है जो लास्ट केस है यहीं पे मैं इसको रोक दूंगा केस तो और भी है लेकिन यहां पर इसको हम लोग रोकेंगे श्याम सुंदर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1974 श्याम सुंदर वर्सेस राजस्थान राज्य 1974 का केस केस है। इस केस में क्या हुआ था कि पीडब्ल्यूडी की एक ट्रक अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य संपन्न करने में संलग्न थी और चालक की उपेक्षा के कारण एक व्यक्ति कुचल मर गया न्यायालय अकाल पीड़ितों की सहायता प्रदान करने के कार्य को ऐसा कार्य नहीं माना जो संप्रभु के, के द्वारा संपादन हो सकता है तो कोर्ट ने कहा कि भाई किसी पीड़ित की सहायता करना यह केवल सरकार ही करेगी ऐसी बात नहीं है तो प्राइवेट आदमी भी कर सकता है इसलिए इसको हम साबरन इम्यूनिटी नहीं मानते और इसमें गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होगी लेकिन जितने भी आप केस यहां पे देख रहे हैं ये सारी केसेस पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी जो बहुत पुराना जजमेंट था वेस्ट के लोगों का और उसी जजमेंट को हम आज तक ढूंढते ढोटते आ रहे हैं और हम आज भी मान रहे हैं कि साबरेन में गवर्नमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो इस तरीके से सीरीज आपको दिखेंगे तो ये था राज्य या सरकार का अपकृत्य के लिए दायित्व अब आगे इसमें देखें आप राज्य कर्मचारियों द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन पर राज्य का दायित्व तो अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया तब क्या होगा ये तो हम लोगों ने देखा साधारण टार्ट अगर कमिट हो गया तब लेकिन मान लीजिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया तो क्या सावरेन इम्यूनिटी लगेगा कि नहीं लगेगा फंडामेंटल राइट्स के केस में सावरेन इम्यूनिटी का क्या मीन्स प्रभाव है और क्या इसका विस्तार है इसके लिए तमाम केसेस हैं हमारे पास कुछ केसेस का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा एक बहुत लीडिंग केस है खत्री बनाम बिहार राज्य ये केस डिसाइडेड है बहुत बाद में स्वतंत्रता के बाद खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार और खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार में आप देखेंगे इस जिसको हम भागलपुर ब्लाइंडिंग केस कहते हैं और ये उन्नीस में डिसाइड किया गया था 1981 में तो खत्री बनाम बिहार राज्य को ऐसा हुआ था कि प्रिजनर थे जो प्रिजन की ऐसी कंडीशन थी जिसमें वो ब्लाइंड हो गए सारे माने प्रिजन में जो बैरक था वो बैरक बड़ा अनहाइजेनिक था जिसमें जहरीली गैस फैल गई और उससे जितने प्रिजनर उसमें बंद थे बेचारे उन सारे की रोशनी चली गई आँख की और इसको लेकर के कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गया खत्री बनाम बिहार राज्य में और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबरन इम्यूनिटी का सहारा नहीं लेने दिया सरकार को कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट के मामले में साबरन इम्यूनिटी नहीं चलेगा हालांकि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने साबर इम्यूनिटी को खत्म नहीं किया रिलैक्स कर दिया कहा फंडामेंटल राइट में साबरन इम्यूनिटी सरकार क्लेम नहीं कर सकती और संप्रभु का दायित्व यहाँ पे होगा तो ये खत्री बनाम बिहार राज्य का केस था उसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे उन्नीस में रूदल शाह वर्से स्टेट ऑफ बिहार एक बंदा है जो चौदह साल तक जेल में बंद कर दिया गया लांग फोर्टीन ईयर्स जेल में बंद कर दिया गया और चौदह साल तक जेल में बंद होने के बाद उसको पता चलता है कि अरे मैं तो बिना किसी दोस्त के इसमें बंद हूं तब वो पेटीशन फाइल करता है जब वो पेटीशन फाइल करता करता है तो इसमें भी हालांकि जेल में जो बंद किया गया था वो किसने बंद किया था जेल के प्राधिकारियों ने उसको बंद किया था लेकिन कोर्ट ने इसको भी साबरी इम्यूनिटी का फायदा नहीं लेने दिया कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट के मामले में साबरन इम्यूनिटी का फायदा नहीं मिलेगा तो रूदल साहब नाम बिहार राज्य तो आप देखेंगे जैसे रूदल साब स्टेट ऑफ बिहार में कंपनसेशन दिलवाया गया और यह हुआ कि फंडामेंटल राइट के मामले में आप साबरी इम्यूनिटी को क्लेम नहीं कर सकते और 14 साल तक इसको इलीगली डिटेन कर दिया गया इसके बाद केस आती है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य और यह केस डिसाइडेड है आपका नाइनटीन में भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य इसमें क्या हुआ था एक एम है और एमएलए को बिना पर्याप्त कारण बताए हुए राज्य के प्राधिकारियों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इलेक्शन के लिए जा रहा था और गिरफ्तार कर लिया और इलेक्शन बीतने के बाद इसको छोड़ दिया गया तो ये भीम सिंह जो है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था और इसने पिटीशन फाइल कर दिया कि नहीं हमको तो इलीगल डिटेन कर दिया गया जिसने हमारे अधिकारों का हनन हो गया मूल अधिकारों का हनन हो गया कोर्ट ने इसमें भी कमेशन दिलवाया और कोर्ट ने कहा कि हालांकि इसको गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसियल थे गवर्नमेंट के ऑफिसियल थे लेकिन इसमें साबरेन क्लेम नहीं करना है आपको क्योंकि फंडामेंटल राइट के के वायलेशन मामले में साबरेन का कोई जगह नहीं है ठीक है तो भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य है इसी तरीके से और भी केसेस को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊं और हमारे पास कुछ केसेस हैं जैसे सहेली बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस यह भी है कि पुलिस के हिरासत में एक बालक को इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई पुलिस सहेली का केस है सहेली का तो पुलिस के हिरासत में इतना मारा कि उस बालक की मृत्यु हो गई और कोर्ट ने इसमें पचहत्तर हजार रुपए का कंपनसेशन दिलवाया था पीड़िता को इसी तरीके से कुमारी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु है कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑफ तमिलनाडु कुमारी वाले जजमेंट में भी क्या हुआ था कुमारी के जजमेंट में भी एक बालक को खुले सीवेज में जो ओपन सीवेज था अनकवर्ड सीवेज था उसमें गिर गया और उससे मृत्यु हो गई तो ये सीवेज को ढकना और न ढकना किसका काम है ये मुंसिपल कारपोरेशन का काम है मुंसिपल कारपोरेशन ने इसको ढंग से नहीं किया बालक उसमें गिर गया और कोर्ट ने इसमें भी पचास हजार का कंपनसेशन दिलवाया था इसी तरीके से तमाम है आपके पास डी के बासु वर्ष स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसमें अरेस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को अरेस्ट करना है तो कैसे अरेस्ट किया जाएगा अरेस्ट करने के क्या तरीके हैं ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने बताया था तो इस तरीके से राज्य सरकार का अपकृत्य के लिए जो दायित्व तो है इसको हम लोगों ने देखा राज्य सरकार का अपकृत्य के लिए क्या दायित्व तो है अगर साधारण अपकृत्य है तब तो सावरेन इम्यूनिटी में छूट मिल जाएगी और नॉन सावरेन फंक्शन में कोई छूट नहीं मिलेगी लेकिन अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मामला है तब साबर इम्यूनिटी काम नहीं करेगा और सक्सेसिव केसेस में हम लोगों ने देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन दिलवाया है जिसमें प्योरली साबरन फंक्शन था उसमें भी दिलवाया है तो फंडामेंटल राइट right के मामले में नहीं अन्य मामलों में साबरन इम्यूनिटी आज भी भारत में प्रचलित है इसका बहुत क्रिटिसिजम होता है क्रिटिसिज्म इस आधार पर भी होता है कि ब्रिटेन अमेरिका ने इसको छोड़ दिया हम आज तक क्यों नहीं छोड़ रहे हैं और आर्टिकल तीन में हम बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं तो ये एक बात थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट्स और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आगे हम बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मामले में गवर्नमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट के मामले में थोड़ा आगे देखिए राज्य या सरकार का संविदाओं के लिए दायित्व तो, राज्य या सरकार का संविदाओं के लिए दायित्व तो, तो संविदाओं के लिए क्या दायित्व तो है इनका ध्यान दीजिए तो इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल दो निन्यानवे भारत के संविधान में आर्टिकल टू डबल नाइन तो संविधाओं में क्या दायित्व तो है सरकार का राज्य का संविधाओं के लिए क्या दायित्व तो है या सरकार का संविधाओं के लिए क्या दायित्व तो है तो आप अगर देखेंगे आर्टिकल 299 तो इसमें व्यवस्था है और 299 में जब आप देखेंगे तो 299 में है कि भाई संविदा किसके नाम से होगी तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम से होगी अगर यूनियन गवर्नमेंट का मामला है तो प्रेसिडेंट के नाम से स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो गवर्नर ना ना के नाम से संविधाएं होंगी और इस संविधाओं की आवश्यक शर्तें क्या है तो कुछ इसकी शर्तें हैं मैं आपको बताऊं कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कंडीशन वन होगा कंडीशन टू होगा कंडीशन थ्री होगा क्या क्या कंडीशन है जैसे जब आप इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है संविदा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित होनी चाहिए ध्यान दीजिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संविदा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित होनी चाहिए प्राधिकृत व्यक्ति का मतलब एथराइज पर्सन तो जो गवर्नमेंट के तरफ से एथोराइज है अगर उसने एग्जीक्यूट किया है कॉन्ट्रैक्ट को तब तो आर्टिकल 299 लागू होगा नहीं तो आर्टिकल 299 लागू नहीं होगा तो प्राधिकृत व्यक्ति के निष्पादन में होना चाहिए दूसरा जो कंडीशन है संविदा यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्देशित या प्राधिकृत तरीके से की जानी चाहिए राज्यपाल या राष्ट्रपति राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत एक तो प्राधिकृत व्यक्ति है कंडीशन नंबर वन दूसरा कंडीशन है कि संविदा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्देशित या प्राधिकृत तरीके से यह जो प्राधिकृत व्यक्ति है यह निर्देश किसका मानेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तो राष्ट्रपति का स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार काम करेगा तीसरा संविदा यथा स्थिति राष्ट्रपति या, या राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त या उसकी ओर से निष्पादित की जाएगी तो विद द नेम ऑफ किसके नाम से विद इधर प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट और चाहे तो गवर्नर के नाम से निष्पादित की जाएगी उसमें नाम उन्हीं का होगा ये भी होगा ये इसकी तीसरी कंडीशन है और चौथी कंडीशन है कि संविदा जो है वो अभिव्यक्त है अभिव्यक्त संविदा है अभिव्यक्त का मतलब ये एक्सप्रेस कंडीशन पे होनी चाहिए तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तब तो हम कहेंगे कि सरकार का संविदा के लेदाई तो है और अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो फिर सरकार को आप संविदा के लिए लेदाई नहीं ठहरा सकते तो दो में ये सारी बातें लिखी हुई है। हैं अब सरकारी संविदा और रिट की बात होती है ध्यान दीजिए सरकारी संविदा और रिट तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट ये क्या है ध्यान दीजिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिट भी इशू हो सकती है कब जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से फंडामेंटल राइट right का वायलेशन हो जाता है फंडामेंटल राइट right का वायलेशन कैसे हो जाएगा जिसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया जिससे आर्टिकल 19 का वायलेशन हो गया या जिससे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया तो क्या हो जाएगा इसमें रिट इशू हो जाएगी अब आर्टिकल 14 में अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं संविदा एग्जीक्यूट हो गई प्राइवेट बंदे के बीच में एक तरफ और सरकार के बीच में दूसरे तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गई दोनों के बीच में लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है इसमें आर्बिट्रेरीनेस है गवर्नमेंट इसमें मनमाने तरीके से काम कर रही है तो आपको पता है आर्टिकल 14 आर्बिट्रेरीनेस को निगेट करता है पी रोयप्पा वर्ष स्टेट ऑफ तमिलनाडु का बहुत पुराना जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वर्न ये जन्मजात दुश्मन है तो जब आर्बिट्ररीनेस आएगा तो इक्वालिटी हो जाएगा वहां से चला जाएगा इक्वालिटी नहीं रहेगा समानता तभी रहेगा जब आर्बिट्ररीनेस नहीं रहेगा तो मान लीजिए गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्शन से काम कर रही है तो वहां पर इक्वालिटी का वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल फोर्टीन का वायलेशन हो जाएगा और जैसे आर्टिकल फोर्टीन का वायलेशन हो गया यह फिट मैटर हो जाएगा रिट फाइल करने के लिए तो रिट मेंटे हो जाएगी इसमें तो यह आर्टिकल 14 की दशाएं केस का मैं जिक्र करूं आपसे जैसे एक इसमें लीडिंग सा है, विद्यार्थी वर्ष स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यह बड़ा लीडिंग जजमेंट है इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधात्मक क्षेत्र में भी राज्य को न्यायपूर्ण स्वच्छतापूर्ण और युक्त युक्त ढंग से कार्य करना होगा संविदात्मक कृत्य में भी सर्वदा लोक तत्व विद्यमान होता है और इस कारण अनुच्छेद चौदह का पालन करना आवश्यक होता है राज्य जनता के हित और जनता के भलाई के लिए कार्य करता है और उसकी यह प्रकृति केवल इस कारण परिवर्तित नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे पक्षकार को संविधिक तथा संविधात्मक उपचार उपलब्ध है ठीक है ना तो हमेशा का हमेशा आर्टिकल 14 में भी आप देखेंगे तो फेयरनेस जस्टनेस रीजनेबलनेस नॉन आर्बिट्ररीनेस इस सब की कंडीशन है अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी तो यह श्रीलेखा विद्यार्थी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया है इसके अलावा आर्टिकल 19 की बात है अनुच्छेद 19 जो दूसरा पॉइंट आप स्लाइड पे देख रहे हैं अनुच्छेद 19 का भी अगर वायलेशन हो गया तब भी अनुच्छेद उन्नीस रीजनेबल नेस की बात करता है रीजनेबल तरीके से युक्त युक्त तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन होना चाहिए तो युक्त युक्त तरीके से भी अगर नहीं होता है तो फिर वहां पे भी क्वेश्चन आ जाएगा और आर्टिकल 21 बात करती है किसकी जस्टनेस और फेयरनेस की तो जस्टनेस फेयरनेस रीजनेबलनेस आर्बिट्रेरीनेस ये सारे कंडीशन हैं इसमें अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिट इनवाइट हो जाएगी तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम लोगों को ध्यान में देखना है अब एक चीज है हमारे पास यही था सरकारी संविदा और रिट जिसको हम ने देख लिया अब संविदा कल्प दायित्व की बात है ध्यान दीजिए कल्प दायित्व संविदा कल्प का मतलब है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, तो में क्या रिस्पांसिबिलिटी है? तो है तो कल्प में भी को देखेंगे, तो इसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है सेक्शन अड़सठ से लेकर बहत्तर तक जो जो कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन दिखता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम बोलते हैं अर्ध संविदाएं संविदा कल्प क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो संविदा के तरह से दिख रही है पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी भी होगी ब्रीच के लिए लेकिन संविदा एक्चुअली है नहीं हो तो अड़सठ से बहत्तर का पूरा ग्रुप जो है इसकी बात करता है उसी का सेक्शन सत्तर एक है जो यहां पे भी हम लोग देखेंगे कि जिसमें नॉन ग्रेचुएटस एक्ट कर दिया गया है और उससे सामने वाला कोई फायदा लेता है तो सामने वाले को उसको लौटाना पड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं कल्प दायित्व तो संविधा के लिए तो दायित्व है ही सरकार का जो रियल कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसका ब्रीच हो जाता है तब तो सरकार का दायित्व है ही उसके लिए रिट भी हो सकती है अगर वो आर्टिकल 14 और 19 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता लेकिन कल्प के लिए भी दायित्व है अब कल्प के दायित्व की अगर बात करें तो इसमें कुछ शर्तें हैं अगर वो शर्तें पूरी होंगी तब तो दायित्व तो होगा अगर शर्तें पूरी नहीं होंगी तो दायित्व नहीं होगा कौन कौन शर्तें हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पॉइंट नंबर वन पहली शर्त क्या है सेवाएं विधि पूर्वक की गई हो ध्यान दीजिए सेवाएं विधि पूर्वक की गई हो विधि पूर्वक की गई हो और दूसरा शर्त है इसमें निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने का आशय न हो निःशुल्क निःशुल्क आशय नहीं होना चाहिए दो बातें तो एक तो विधिपूर्ण होगा और दूसरा निःशुल्क नहीं होगा और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है कि दूसरे पक्षकार ने संविदाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया है दूसरे पक्षकार को इससे लाभ हुआ है अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो धारा सत्तर जो है भारतीय संविदा अधिनियम का धारा सत्तर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन ये जो इसकी धारा सत्तर है वो इन तीनों बातों की बात करती है अगर ये तीन बातें फुलफिल हो जाते हैं तो संविदा कल्पदायित्व तो भी आ जाएगा जैसे विधि पूर्वक किया गया हो कोई प्रपोजल नहीं है कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कोई कंसिडरेशन नहीं है और उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट वगैरह भी नहीं देखा जाता है जो एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्पिटेंट पार्टी भी नहीं देखा गया कुछ नहीं देखा गया लेकिन कार्य विधि पूर्वक किया गया माने वो विधि के दायरे में है और विधि के दायरे में होकर के वो काम किया गया जब मैंने वो काम किया तो हमारा कोई आशय नहीं था कि ये काम करने से मैं किसी को निःशुल्क रूप में बेनिफिट दे रहा हूँ ये भी मेरा आशय नहीं था मेरा आशय था कि अगर मैं देता तो कुछ लेता ये मेरा आशय था लेकिन गलती से चला गया और मैं कुछ नहीं ले पाया और तीसरा है कि जब मैं निःशुल्क आशय नहीं था हालांकि एक फ़ायदा किसी को मिल गया और उसका वो लाभ भी उठा लिया तो जब लाभ आप उठा लिए निःशुल्क आपको मिला हमारा निःशुल्क देने का कोई इंटेंशन नहीं था तो जो भी आपने लाभ उठाया है उसको प्रतिकर के रूप में आपको लौटाना पड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं संविदा कल्प दायित्व जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन आपको बताऊ एक उदाहरण के तौर पर उदाहरण के लिए एक व्यापारी है जिसका जो ए है कुछ वस्तुएं बी के घर पर भूल जाता है या छोड़ देता है बी उन वस्तुओं को अपनी वस्तुएं मानता है और उनका प्रयोग करता है बी उक्त व्यापारी ए को उन वस्तुओं के भुगतान के लिए दायी होगा ध्यान दीजिए तो ए है है कोई सामान लेकर के के बी के घर जाता है और वो भूल जाता है वहाँ पे हालांकि ए का इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको ऐसे ही दे दूंगा लेकिन बाई वे वो भूल गया किसी कारण बस उसको नहीं पता चल पाया और वो चला आया और जब वो भूल गया तो उससे फायदा उठा लिया किसने बी ने तो जब बी ने फायदा उठा लिया तो बाद में जब ए जाता है उसके घर तो उसकी समान तो वापस उसको करना ही करना है जो फायदा आप उठाए हैं उसके लिए आपको उसको प्रतिकर भी देना पड़ेगा हालांकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्योंकि बी ने आपसे नहीं मांगा था आप स्वतः तो भूल गए थे लेकिन आपका आशय कुछ भी नहीं था कि आप उसको ऐसे ही इन ग्रेच एक्ट कर रहे हैं ऐसा कोई आशय नहीं था आपका तो फिर उसको लौटाना पड़ेगा तो ये हम इसको बोलते हैं कि इस तरीके के दायित्व तो हैं इसमें जिसमें लौटाने की व्यवस्था है तो लौटाना पड़ेगा क्योंकि बी ने इससे लाभ भी लिया है तो हम इसको बोलते हैं संविदा कल्प दायित्व तो संविदा कल्प में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं फायदे की वापसी ध्यान दीजिए लास्ट प्रिंसिपल है फायदे की वापसी अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया किसी कारणवश या कॉन्ट्रैक्ट सुन या सुनकरणीय हो जाता है किसी कारणवश तो फायदे की वापसी भी करनी पड़ेगी अब आप देखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम में तो भारतीय संविदा अधिनियम में धारा पैसठ है धारा पैंसठ अगर आप इसमें देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाती है या लास्ट में डिस्कवर टू बी वाइड है या तो हम दिन इंसेप्शन वाइड है या बाद में किसी कारणवश डिस्कवर टू बी वाइड है ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है और उस वाइट कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में किसी ने फायदा ले लिया है तो उस फायदे के अमाउंट को उसको लौटाना पड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं फायदे की वापसी तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच एक तो डायरेक्ट ब्रीच है और एक ब्रीच इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खुद शून्य हो गया है तो व्हाट्स एवर बेनिफिट टू रिटर्न ऑल दोज बेनिफिट्स टू द इंटाइटल्ड पार्टी अब जैसे मैं इसे, मैं इसे इसमें एक एग्जांपल आपको बताऊं जैसे मान लीजिए कोई माइनर है और हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया माइनर ने अपने एज को मिस रिप्रेजेंट कर दिया आम से शरीर के हिसाब से बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है मैं समझा ये मेजर है और उसने अपने एज को कंसील कर दिया मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट करने में मान लीजिए वो हमसे बीस हजार रुपया उधार मांगता है मैंने उसको बीस हजार रुपया उधार भी दे दिया वो लेके चला गया इसके बाद जब मैं बीस हजार रुपये के लिए मुकदमा दाखिल करता हूँ तो वो हमसे कुछ नहीं बोलता है वो कहता है हम नहीं देंगे हम कहते हैं नहीं तुमको देना पड़ेगा वो कहता है आप हमसे ले ही नहीं सकते कानून के हिसाब से क्योंकि हम तो माइनर थे जब हमको आपने पैसा दिया था तो कानून तो ऐसे भी कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले आएगी और हम नहीं देंगे पैसा आपको वापस तो क्वेश्चन ये है कि यह शून्य संविदा है और शून्य संविदा में अगर कोई बेनिफिट होती है तो जो बंदा बेनिफिट लेता है उसको देना पड़ता है अब यहाँ पे जो माइनर का सवाल है तो माइनर तो चूंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट शून्य ही नहीं है इसका कॉन्ट्रैक्ट तो वायड एव है ध्यान दीजिए ये फ्रॉम द वेरी कॉन्ट्रैक्ट हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ तो अगर कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता तब तो जो बेनिफिट वो लिया है वापस करना पड़ता तो फायदे की वापसी शून्य शून्य करने में होगा वाइड और वाइडेबल में होगा लेकिन मान लीजिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि विधि की निगाह में कुछ भी नहीं है तो इसमें फायदे की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है तो फायदे की वापसी का प्रावधान तभी है जब संविदा शून्य है तो सेक्शन पैंसठ जो है धारा पैंसठ है भारतीय संविदा अधिनियम का यह कहता है फायदे को तभी आपको वापस करना है जब संविदा शून्य है तो शून्य की दशा में आपको वापस करना पड़ेगा ठीक है जितना भी बेनिफिट आपने लिया है अब शून्य के कई आधार हैं हमारे पास कब संविदा शून्य हो जाएगी जैसे मान लीजिए अनलॉफुल कंसिडरेशन है मान लीजिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है इस तरीके का है फ्री कंसेंट नहीं है तो वहां पे कहीं शून्यकर्णीय है कहीं शून्य है तो उस दशा में जहाँ पे फ्री कंसेंट में कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाती है और आपने फायदा ले लिया है तो संविदा शून्य हो जाएगी आपको बेनिफिट वापस करना पड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं फायदे की वापसी तो फायदे की वापसी भी एक बात है शून्य या शून्यकरणीय के दशा में फायदे को आपको वापस करना पड़ेगा तो ये हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट टार्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों को हम लोगों ने देख लिया और इसमें मैं बताऊं आपको कंक्लूजन देते हुए हम लोगों ने क्या देखा इसमें हम लोगों ने इसमें देखा कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी टार्ट के लिए क्या है और गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए क्या है अगर हम साधारण टार्ट की बात करें तो अगर हम इसमें इंग्लैंड में देखें तो वहां पे साबरन इम्यूनिटी थी लेकिन क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट से साबरन इम्यूनिटी खत्म कर दिया गया अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां पे भी साबरन इम्यूनिटी थी लेकिन फेडरल टार्ट क्लेम एक्ट के तहत साबरन इम्यूनिटी खत्म कर दिया गया अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद तीन में साबरन इम्यूनिटी की बात आज भी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि संविधान आने के पहले जो स्थिति होगी और संविधान आने के पहले जब आप जाएंगे तो बहुत पुरानी बात है पी एन ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी जिसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सावरेन फंक्शन में गवर्नमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है और नॉन सावरेन फंक्शन में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आज भी विद्यावती रलिया राम जैन और जितनी सीरीज आप केसेस हम लोगों ने देखा उसमें हम आज भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सावरेन इम्यूनिटी के प्रिंसिपल को भारत से खत्म नहीं किया इतना जरूर बोला है कि भाई अगर साबरिन एक्शन क्या है और साबरन एक्शन क्या नहीं है तो बहुत ऐसे कार्य हैं जिनको साबरिन एक्शन की परिधि से बाहर निकाल दिया है वो अलग बात है लेकिन साबरिन इम्यूनिटी आज भी जिंदा है साधारण टार्ट के मामले में साधारण कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट के मामले में आज भी भारत में जिंदा है अगर हम फंडामेंटल राइट right के वायलेशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट right के वायलेशन के मामले में साबरन इम्यूनिटी की कोई जगह नहीं है ठीक है ना वहां पे साबर इम्यूनिटी नहीं चलेगा अगर फंडामेंटल राइट right का वायलेशन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन कब जब कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं तब सिमिलरली क्वासी जुडिशियल फंक्शन में भी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कब जब एसेंशियल कंडीशन साबित हुए हैं तब और जो फायदा आपने लिया है फायदे की वापसी की भी बात है कब जब संविदा शून्य हो जाती है या उसका ब्रीच हो जाता है तो व्हाट्स एवर बेनिफिट टेकन विद अपोजिट पार्टी वो उसको वापस करना पड़ेगा तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया और इसके जो भी प्रॉन्स एंड कॉन्स थे गवर्नमेंट लाइबिलिटी के लिए इस सब को हमने आपको साधारण भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने वाणी से आपके पास पहुँच पाया हूँ तो इसी तरीके से मैं अपने वाणी को यहाँ पर रोकता हूँ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पेशेंस शेयरिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ थैंक यू वेरी मच नमस्कार thank you Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered and Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening, I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.